जिस पंजीयन विभाग को इंदौर जिले से हर साल संपत्ति के सौदों के पंजीयन से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता है, वहां अब रजिस्ट्री निकालने के लिए प्रिंट कागज ही नहीं है। शुक्रवार को कई लोग रजिस्ट्री के लिए परेशान होते रहे। पूछने पर कारण बताया गया कि पंजीयन विभाग में कागज नहीं है। पंजीयन कराने वालों से पंजीयन विभाग के स्टाफ द्वारा कहा गया कि अगर आप कागज लेकर आए तो आपको प्रिंट निकाल कर दिया जा सकता है। कई प्रिंटर में तो कार्टेज भी नहीं था। हालत ये हो गई कि अब पंजीयक वकील और फ्लाइंट की रजिस्ट्री लेने जाने से पहले खुद ही कागज लेकर पंजीयक विभाग जा रहे हैं ताकि रजिस्ट्री हो सके।